एमएस एक्सेल में डीसम बनाना सीखेंगे कि डीसम को कैसे बनाया जाता है। इसके पहले से हम थोड़ा सा टूल्स के बारे में भी जान लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट टूल्स ऑप्शंस के बारे में, इसके अंदर का जो है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। अब एलिजमेंट के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो एलिजमेंट को यूज हम थोड़ा सा करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे कैसे इसका यूज होता है, मतलब क्या क्या होता है ये। तो एलिजमेंट का यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्स को मर्ज कर लेते हैं। सेल मर्ज करने के लिए आप यहाँ से भी मर्ज सेल्स एंटर कर सकते हैं या फिर अल्ट के साथ एच एम सी से भी मर्ज कर सकते हैं। चलिए हम सेल्स मर्ज कर ले रहे हैं और यहाँ पर एक हेडिंग लिख दे रहे हैं डीसम, जो कि हमें बनाना भी है। तो चलिए डीसम लिख दे रहे हैं। इसी वाउचर्स को, इसी को हमें शीट को बनाना है। लेटर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं, इंक्रीज हो गया और थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं, अच्छे से दिखेगा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड फिल कर दे रहे हैं, ये रहा बैकग्राउंड फिल हो गया। अब हम लोग डीसम को थोड़ा सा इसको एलिजमेंट सेंटर टूल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद से डीसम शीट को लगाएंगे। ये स्पेस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अगर स्पेस को हटा दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। इसमें एस भी थोड़ा सा छोटा लेटर का कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा, अब अच्छा लग रहा है। ये डीसम होता है, डीसम लिख लिए। मान लीजिए प्रकार की हमारी सीट है, बनाएंगे जो आगे। अब एलिजमेंट सेंटर्स के बारे में जान लें। तो एलिजमेंट सेंटर का यूज, जैसे हम इस सीट लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं, अब अगर हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जो टॉप अगेन पर करेगा, अलाइन पर करेगा, तो जो हमें क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट को बीच में या फिर ऊपर की तरफ कर देता है। अभी हमारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद से मिड में करेंगे, देखिए टेक्स्ट हल्का सा ऊपर हो रहा है, फिर इससे अगर इसको करना है तो इधर नीचे हल्का सा हो रहा है। ये एकदम लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेगा, ये मिड में हो जाएगा एकदम, ये राइट साइड से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट अलाइन होता है। ये हमारे टेक्स्ट को किस प्रकार से कहाँ से लिखना है या फिर कहाँ पर अरेंज करना है, इस चीज़ को बताता है। जैसे कि बीच में लिखना है, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, या फिर राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से, इन चीज़ों की जानकारी टेक्स्ट अलाइन में देता है, ये अलाइन जितना दिया है। उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रोटेशन या ओरिएंटेशन का। ये हमें इस टेक्स्ट का डायरेक्शन बताने के या फिर चेंज करने के लिए देता है, या फिर मतलब टेक्स्ट का ये डीसम लिखा हुआ है, हमें थोड़ा सा तिरछा में चाहिए या फिर ऊपर में चाहिए या फिर दिस डायरेक्शन में चाहिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये टेक्स्ट अलाइन का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए अलाइन को फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो टेक्स्ट होगा इस प्रकार से कुछ बन के आएगा, जो हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है अभी। इसको थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हम यहाँ नीचे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे मर्ज कर ले रहे हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस प्रकार से, डीसम लिख ले रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं और हो गया। अब देखिए इसमें ये दिखाई देगा, ये हमने टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। टेक्स्ट का डायरेक्शन मान लीजिए हमें ऊपर की तरफ करना है, जिस डायरेक्शन में आप करेंगे उस डायरेक्शन में टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। इस प्रकार से हमारा डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए इस प्रकार से ये सारा टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और इसके बाद से फॉर्मेट सेल अलाइन में और सारी बहुत सारी चीज़ें दिए रहते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद से इसमें और भी कुछ दिया रहता है।
के अंदर प्रवेश करके दिखा रहे हैं। ये टेस्ट लाइन में रोटेशन डिग्री के हिसाब से देता है कि आप किसकी डिग्री करना चाहते हैं, हल्का फुल्का या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा। इसके आधार पे हम लोग यहाँ से करके उसके बाद ओके करेंगे, हमारा टेस्ट उसी अपने हिसाब से इसको ऑर्डरिंग करने के लिए देता है कि आप इस डायरेक्शन में टेस्ट को अरेंज करना चाहते हैं। इसके बाद से हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आते हैं। ये वाला ये टेस्ट टेस्ट को लेफ्ट साइड या राइट साइड कहाँ से स्टार्ट कर उन सभी चीज़ों के बारे में ये भी डिफाइन करता है। उसके बाद से रैप टेस्ट, लीजिए आपने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मोहन कुमार, मोहन कुमार। इसमें अगर रैप टेस्ट का यूज करना रहे तो रैप टेस्ट का यूज कैसे करेंगे, ऐसे यहाँ पर आएंगे, रैप टेस्ट पे सेलेक्ट करेंगे। रैप टेस्ट का मतलब होता है अगर दो चीज़ों को एक साथ लिख रहे हैं, अगर ऊपर नीचे लिखना रहेगा तो रैप टेस्ट की सहायता से उसको अपन लोअर में लिख सकते हैं। ये हमारा रैप टेस्ट है। मर्ज सेंटर को तो जान ही गए हैं इतनी देर से अभी तक कि बार बार हमारा मर्ज सेंटर आ रहा है, मर्ज सेंटर क्रॉस करने के लिए, मर्ज सेल्स करने के लिए, अनमर्ज करने के लिए, जो मर्ज हुआ है उसे अनमर्ज करने के लिए आता है। तो इस प्रकार से अभी तक आप लोगों ने इन सभी अलाइन वाले फंक्शंस को जाना। अब इसके बाद हम लोग जो है सीट को बनाना सीखेंगे। तो चलिए सीट को स्टार्ट करते हैं कि सीट को कैसे बनाएंगे। जिस हम सीट को बनाने जा रहे हैं, हम जिस हम सीट को कैसे बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। मान लीजिए सारा एक ही में लिखा गया है। सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, फिर रेट लिखेंगे, उसके बाद से अमाउंट लिखेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग बोल्ड कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे। उसके बाद थोड़ा सा लेटर इंक्रीज कर दे रहे हैं। सीरियल नंबर में 5 सीरियल नंबर या फिर 10 सीरियल नंबर आप जितने मतलब रखना चाहें रख सकते हैं। चलिए हमने 9 सीरियल नंबर लिखा। प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, जिस चीज़ का आप मतलब खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो या फिर रखे हों, उन सभी चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। जैसे माउ कीबोर्ड, प्रिंटर, पेन, पेंसिल, इरेजर, बिस्किट, बैग, पेंसिल, पेन हो गया। और कोई प्रोडक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे पार्ले जी, पार्ले जी। हमने कुछ प्रोडक्ट लिखे हैं। उसके बाद इनका क्वांटिटी भर दे रहे हैं, 12 पीस, 40 पीस, 20 पीस, 30 पीस, 40 पीस, 50 पीस, 60 पीस, 20 पीस, 30 पीस। इस प्रकार से हम इनका प्रोडक्ट का क्वांटिटी भर लेंगे। रेट मान लीजिए इनका डिसाइड कर दे रहे हैं 150, 250, 400, ऐसे तो मिलेगा नहीं लेकिन 4000 का मिलेगा, 30 रुपीस, 10 रुपीस,
12 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, ये 10 रुपीज़। इस प्रकार से हम अपने प्रोडक्ट का नाम लिख लेंगे। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू रेट को सिलेक्ट करेंगे, इंटर, क्वांटिटी को सिलेक्ट किए, उसके बाद रेट को सिलेक्ट किए, इंटर करेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ से उसके बाद से ट्रैक कर लेंगे, हमारा सारे का एक साथ सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम इन सब का एक साथ में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि हमारा कौन सा क्या प्रोडक्ट है, कितने रुपए का है। अब हम डीसम को लगाएंगे कि डीसम का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो पहले इसको रेट को सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग को कॉपी करेंगे, कॉपी करने का शॉर्टकट की कंट्रोल सी होता है। उसके बाद से यहाँ पर आएंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद एक लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन पे डीसम का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू डीसम, डीसम लिखेंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो कंट्रोल ए कर दीजिए। आपको सीरियल नंबर से लेकर सारे पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद से फील्ड पर आना है, फील्ड में आपको अमाउंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद से क्राइटेरिया पर आना है। क्राइटेरिया में आपको सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट और उसके एक नीचे सेल ब्लैंक सेल भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद से एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा टोटल अमाउंट दिखा रहा है कि आपका ये टोटल अमाउंट जो है कितना है, तो 97,907,200 रुपीस है। हमारा दिखा रहा है। अगर हमें वन नंबर का डिटेल्स पता करना है तो वन नंबर लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, जो कि हमारा 1800 रुपये का है। सीरियल नंबर वन पे क्या है हमारा, माउस है, जो कि टोटल अमाउंट उसका कितना है, 18,000 रुपीस है। इस प्रकार से हम डीसम का फॉर्मूला लगाकर देख सकते हैं।